गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, पानी का बुलबुला फट चुका है कि हम पाकिस्तान को जो है वो 1971 की जो बांग्लादेश वॉर है उसमें लिबरेशन वॉर है उसमें इन्होंने जेनोसाइड किया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हमने देखा, पर जिसको जो कि बांग्लादेश मीडिया में रिपोर्ट हो रही है और इंडियन मीडिया में रिपोर्ट हो रही है, यानी इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रही है, ये क्योंकि पाकिस्तान से इस खबर का बड़ा गहरा ताल्लुक है, बांग्लादेश और इंडिया तीनों का इस खबर से ताल्लुक जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और खबर ये है कि एक करारदाद लाई जा रही है जो कि जो स्टीव शबाट है वो और इसके अलावा रोहित खन्ना, ये इनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन आ रही है, यूएस रेजोल्यूशन टर्म्स पाकिस्तान 1971 बांग्लादेश वॉर को नस्लकुशी करार दिया गया, यानी ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ और उस दौरान वहां पर जो जराइम हुए उनको वो इंसानियत के खिलाफ जराइम है और उस पर पाकिस्तान की हुकूमत उसको रिकग्नाइज करे, माफी मांगे, इस तरह की जो बहुत पहले से ये वाली चीजें कही जाती हैं। लेकिन अब ये जो एक रेजोल्यूशन, एक लेजिस्लेशन जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टू कांग्रेसमैन, रोहित खन्ना एंड स्टीव शबाट, 8 पेज की ये है और इसमें इस तरह की जो मैंने आपसे बात की काफी डिटेल्स मौजूद है। बैरिस्टर साहब, क्या हम इसको इस तरीके से लें कि पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल खड़ी होने जा रही है, और क्या आप समझते हैं कि बात तो बहुत अरसे से हो रही है लेकिन ये वाली ऐसी कोई करारदाद पास हो सकती है? देखें जी, बिल्कुल डेफिनेटली ये करारदाद पास हो सकती है, लेकिन क्या इसकी वजह से कोई मुश्किल खड़ी होने वाली है या नहीं, ये डिपेंड करेगा उस वक्त जब ये करारदाद पास होगी एक गिवन सिचुएशन में, तो उस वक्त के हालात पे कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो नई अलाइनमेंट है उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। जहाँ तक ये नस्लकशी के इल्ज़ाम का ताल्लुक है या हकायक का ताल्लुक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये जो लोग तारीख जानते हैं उनको पता है कि 70s में ये एक बहुत बड़ा इशू था, 71 में जब ये काम हुआ तो उस वक्त जो है वो ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम था बांग्लादेश की तरफ से। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि लाखों लोग जो है वो मारे गए थे, कम से कम जो उनके अदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक तो 3 मिलियन लोग जो हैं वो इसका शिकार हुए, और उसमें 400,000 से ज़्यादा ख्वातीन जो हैं उनकी बेहरमती की गई या इसमत दरी की गई। तो ये जो चीज़ थी ये एक बहुत बड़ा उस वक्त इशू था, लेकिन आप वो बात वही है कि जो उस वक्त पॉलिटिकल ज़रूरतें थी और जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट थी उसकी वजह से ये जो है इस मसले को नस्लकशी का मसला बना के तो आगे नहीं ले जाया जा सका। अब ये जो इसकी आप डेफिनेशन है ना नस्लकशी की, लोग किस तरह मरे, कितने मारे गए, हर चीज़ पे ये पूरा उतरता था, एक बाकायदा लीगल केस बनता था बांग्लादेश की तरफ से, और उसमें बाकायदा उन्होंने नामिनेट भी कर दिए थे बड़ी तादाद में, तकरीबन 100-150 के करीब जो पाकिस्तान मिलिट्री की या उससे एफिलिएटेड फोर्सेस के लोग जो हैं कि ये लोग इसमें रहे हैं। आप अगर रिकॉर्ड चेक करें तो बाहर के बाज मुल्कों में इस तरह का आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। 8-10 साल पहले एक जनरल साहब जो है वो कनाडा आए थे तो उनका नाम निकल के आ गया था कि ये जो है कनाडा में ट्रैवल नहीं कर नहीं सकते क्योंकि ये बांग्लादेश की तरफ से उस वक्त नॉमिनेट हुए थे। पहली बात तो ये है कि ये इंडियन सरकार क्या कर रही है, एक कांग्रेसमैन है रोहित खन्ना साहब और उन्होंने अपने एक दोस्त स्टीव शबाट आई थिंक उनको साथ मिला के, तो अमेरिकन जो कांग्रेस है उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें वो कह रहे हैं जनाब कि हम पाकिस्तान को जो है वो 1971 की जो बांग्लादेश वॉर है उसमें लिबरेशन वॉर है उसमें इन्होंने जेनोसाइड किया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए। आप क्या समझते हैं, ये इंडियन सरकार करवा रही है, इंडियन डीप स्टेट ये चाहती है कि इस तरह की रिक्त अमेरिका के अंदर पैदा हो, क्योंकि यही वो बात है जिन्होंने पाकिस्तान के ये जो मौजूदा एम्बेसडर जो वॉशिंगटन में गए तो इनके खिलाफ कंपेन चलाई, तो आप क्या समझते हैं ये जो रवैया है कि हम अपनी जंगें इंडिया पाकिस्तान से अमेरिका ले जाएं, लंदन ले जाएं, फ्रांस ले जाएं, जर्मनी ले जाएं, डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले ये बता दूं कि
ये मैंने भी देखा था, पढ़ा था, और इसमें एक आपको एक हैरानी होगी, एक रिपब्लिकन है एक डेमोक्रेट है, तो ये भी नहीं बोलेगी कि एक पार्टी है, तो दोनों, दो मेन पार्टी यूएस में, तो दोनों के ही सांसद हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूं, दोनों के पार्लियामेंटेरियंस हैं, एंड दे बोथ वांट टू डू इट। तो कहने की बात ये है कि ये एक चीज ऐसी हुई थी, देखिए रिकॉर्ड्स है वहां पे, रिकॉर्ड्स ये है कि 2 से 4 लाख रेप हुए, 2 मिलियन लोग मारे गए, 2 से 3 मिलियन लोग मारे गए। तो अभी बांग्लादेश भी उसको एक जेनोसाइड डे मना रहा है, आपको पता ही होगा, खैर शेख हसीना जी ने उसको डिक्लेयर किया था। अब ये सब चीजें जो हो रही है, जो आपने वहां किया था, जब मुझे ये भी याद है कि जब बांग्लादेश लिबरेट हुआ था तो आपके जनरल साहब भी थे यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, वो कह रहा है अच्छा आप पुके नंगे बंगाली गए, आप पुके नंगे, आप इनको पुके नंगे कहते हैं, भूखे नंगे बंगाली गए। तो चीमा साहब, वो जो आपने वहां उर्दू चलानी चाहिए, वो जो आपने वहां उनको डोमिनेट करना चाहा, वो जो आपने उनको उनका वो जो आप ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हुआ तो सब जानते हैं कैसे।